इलेक्शन। ये देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोदी जी, क्यों 24 घंटे 365 दिन काम करते और करते जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? उन्हें कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। उनको चाहिए कि बस हमें सब कुछ फ्री मिले। यहाँ जमीर बिकता है, यहाँ इंसाफ बिकता है, यहाँ पे सिर्फ देशभक्ति उसी दिन जागती है जब 15 अगस्त होता है, वो भी इसलिए क्योंकि फ्रीडम जो है ना हमें फ्री में मिला था। तो मैं कहूँगी डॉक्टर साहब जस्ट चेक करना, बाकी का जो टर्म है उसमें एंजॉय करना प्लीज मोदी जी, वी डोंट डिजर्व यू। पहली बात तो मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं चाइना में सकल बहुत इंटरेस्टिंग है, करती हूँ मैं साल में एक बार आती हूँ, शगुन है। मैं कृष्णा को मानती हूँ, मैं अपनी इसकी कसम खा के कह रही हूँ। दिल्ली की हालत देख के मैं आते जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर आती हूँ मेरी आंख में आंसू आते हैं कि इस मेरे देश की हालत इस केजरीवाल ने बर्बाद कर दी है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और आज जब से मोदी जी आए हैं हम यूं करके घूमते हैं, हमें इतनी सिक्योरिटी रहती है मोदी जी से, देश में हमारी रेस्पेक्ट हुई है, लोग हमें डरते बोलते तुम्हारा लीडर मोदी चाइनीज बोल नहीं पाते, वो कहते मोदी मोदी हंग हाओ हंग हाओ। स्पीक लाइक दिस, तो मोदी जी के कारण हम सिक्योर हुए, हमारी इज्जत बढ़ी है, हम लाइन में लग रहे हैं कोई लाइन। आज हमारी डिमोनिटाइजेशन हुआ था हमारे देश में, पता है चाइना का बिजनेस 3 महीने के लिए ठप हो गया था, वहाँ की इकोनॉमी हिल गई थी, मोदी जी ने यहाँ बैठे बैठे दूसरे देशों को हिला दिया था। कट, और यहाँ हम रो रहे थे कि हमारी अरे माँ चुदी पर ही बता रहे हो करे। Hello everyone, this is the group for I will vote for Namo 2019. I'm going to ask everyone, each one, why you should vote for Prime Minister why Modi again. Yeah. Why you should vote for, why I will vote for Namo. I'm Vandana Rewari and I would like to vote for Modi because he is the only Prime Minister who thought about Swachh Bharat. A few moments later. नहीं गिराते हो घोड़ की कर रहा है, रंगापा कर रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं? किसी को गालियां दे के भगाना आजा। अरे देश के नरेंद्र मोदी जी आपको सलाम है, रही बात आपकी राजनीति की तो आपकी राजनीति आप करते रहे, जो बाकी के ये जो छोटे मोटे मच्छर है ये तो बोलते रहेंगे शेर हो आप शेर। वही बात पेट्रोल की, ये कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, अरे जिस दिन तुम्हारा बाप तुमको 10-20 रुपए देना बंद कर देगा, 5 रुपए देगा तो क्या बाप चेंज कर दोगे क्या? क्या हम चिंता नहीं करते किसी की, चाहे पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए, हम मगर बाप चेंज नहीं करेंगे, देश का शेर चेंज नहीं करेंगे। रही बात हमारे देश की, भारत देश की, मजाल किसी की मच्छर की औकात है हमारे देश पर नजर उठा के देख लें, क्योंकि हमने शेर पाला है और शेर पालने के लिए खर्चा तो महंगा करना ही पड़ता है। ये देश इसी लायक है, ये देश इसी लायक है, लेकिन अगर मैं मरा नहीं ना घुस के दिखाऊंगा, तुम्हारी घुस के दिखाऊंगा। जली ना तेरी भी जली ना। ये है भक्त जिंदगी। मोदी तुम महंगाई बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी तुम महंगाई बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जूता चप्पल सब गिर जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे भक्त हैं, भक्त हैं हम, गुड़बक हैं, हमें इस्तेमाल कीजिए। ये है आम जिंदगी। शर्म करो भाई, क्या लग रहा है मोदी भक्त करा रहे हैं? हम मोदी भक्त नहीं, भक्तों को रगड़ने वाले हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक विरोध का पोस्ट नहीं लिखते हैं आप लोग?
देश में महंगाई बढ़ रही, जीडीपी खत्म हो गया, चीन आग दिखा रहा, नेपाल बोल रहा, क्या है हम लोग दिमाग खराब हो गया है? रोक दिया है मोदी साहब, जिंदाबाद। आप मेरी जान है मोदी जी, आपके बगैर नहीं जी सकते मोदी। तू बाहर खड़ा हो, इसको बाहर निकालो यार। तो बहुत सारे लोग कहते हैं भैया इस पे आपका क्या ख्याल है, पेट्रोल इतने रुपए लीटर हो गया। अरे हराम जादो है, पेट्रोल इतने रुपए लीटर, पहले तुमको दाल महंगी लग रही थी कि 150 रुपए किलो हो गई, अब वो 60 रुपए में, अबे दाल डाल लो गाड़ी में। चुप रे बाबा, तू चुप रे। पेट्रोल पंप पर एक तख्ती लगा दो और कह दो आम जनता के लिए 80 रुपए और जो मोदी भक्त है उसके लिए 180 रुपए, फिर देखो देखो फिर भक्ति कैसे झर जाती है। सब नशा उतर जाएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। अच्छे दिन आए क्या? नहीं आए। अच्छे दिन नहीं। काला धन खाते में आया क्या? नहीं आया। 15 लाख रुपए आए क्या? नहीं आया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदुस्तान को कब तक लड़ाएंगे? अरे साहब कुछ तो बोलिए, अच्छे दिन कब आएंगे? आप में हिम्मत हो तो पब्लिकली बताओ। देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, सीने के अंदर बड़ा दिल होना चाहिए। जो कुछ नरेंद्र मोदी करते हैं वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, पॉलिटिकल गेन के लिए करते हैं। मोदी कहाँ है तेरे 56 इंच, कैसा है तू? तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट। वाह मोदी जी वाह वाह।